नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस का हल निकलता हुआ सा दिख रहा है। जिस तरीके से असंतुष्ट नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली की यात्रा में चुप्पी साधे हुए हैं और जो दरबार हैं यानी कि प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब कि उन्हें कुछ ऑफर किया गया है और उसको उन्होंने मंजूर कर लिया है। अदरवाइज राहुल गांधी ने एक दिन पहले उनसे मिलने से मना कर दिया था। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि कोई मुलाकात नहीं होनी है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो मिलने के लिए पहुंच गए और पूरे एक घंटे तक मीटिंग चली। कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी ने मध्यस्थता की और जो कभी अहमद पटेल हुआ करते थे ट्रबल शूटर, उस रूप में प्रियंका गांधी उभरती रही है। सचिन पायलट के मामले में भी उन्होंने ये भूमिका निभाई थी। नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी और फिर फार्मूला निकाला गया। और जब फार्मूला निकल गया उसके बाद ही राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। अदरवाइज वो सिद्धू से नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्होंने पंजाब को दो परिवार लूट रहे हैं ये बयान दे करके गांधी परिवार को भी नाराज कर लिया था। और भी कई वजहें हैं उनकी नाराजगी की। बारह, अब ये तो रही सिद्धू की बात। सिद्धू ने क्या होशियारी किया, बोला तो कुछ नहीं लेकिन प्रियंका गांधी के साथ ये फोटो उसमें करके ट्वीट कर दिया था कि एक लंबी मीटिंग हुई। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब के सीएम ने आज एक दावत दी थी। फार्म हाउस में दावत होनी थी, बाद में वो सरकारी आवास पे हुई। उसको उन्होंने ट्वीट किया कि जो शहरी इलाके के नेता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत हुई और डिस्कस हुआ। माना यह जा रहा है कि जैसे ही सिद्धू के साथ समझौता फार्मूला निकला, तत्काल कैप्टन अमरिंदर सिंह को सूचना दे दी गई और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जो है उसे मान लिया है, तभी जाकर के सुर बदले हैं। हाल फिलहाल दोनों में से किसी भी पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ आग नहीं उगला है। अब सिद्धू के बाद कैप्टन अमरिंदर की बारी है, वो दिल्ली आने वाले हैं, विस्तृत उन्हें बता दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस हाईकमान दोनों में से किसी से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कैप्टन अमरिंदर से कहा गया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी उपलब्धियां बताइए, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उपलब्धियाँ नहीं बताई। 200 यूनिट तक फ्री करने को कहा गया था, वो भी उन्होंने नहीं किया। इसी बीच में ये जो आपके नेता है अरविंद केजरीवाल, वो वहाँ गए और 300 यूनिट तक बिजली माफ़ करने की बात कहा है, वो घोषणा कराए। इसके अलावा वहाँ जो खनन का मामला है, केबल का मामला है और जो ठेकों का मामला है, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के भी बेअदबी का मामला है, कैप्टन कमज़ोर पड़ रहे हैं। पंजाब में एक कहावत है, उतर कांटों में चढ़ा, यानी कि तुम हटो सिंहासन पे मैं चढ़ता हूँ। ये सबसे बड़ा उनके लिए घातक है, कैप्टन अमरिंदर के लिए। दरअसल जो सिद्धू जहाँ मजबूती ले ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बादल परिवार से कैप्टन की मिलीभगत है, बेअदबी मामले में इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और ये भी किसी से बात नहीं छिपी है कि बादल परिवार के केबल से लेकर के कौन कौन से धंधे हैं। ट्रांसपोर्ट का धंधा है, वो संरक्षण कौन देता है? जब सत्ता आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि मिली भगत होती है, तभी तो संरक्षण मिलता है। और ये अभी तक की वहाँ की राजनीति का जो इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस, एक बार बाद अकाली दल का अभी तक बीजेपी से समझौता था, जब उससे टूटा तो बीएसपी से समझौता हो गया। तो ये जो अकाली दल बीएसपी एक कोने पर हो गया, एक कोण बना रहा है, दूसरा कांग्रेस हो गई और तीसरा जो है वहाँ पे आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ती रही है, पिछले चुनाव में उसने ठीक परफॉर्मेंस किया था, और अब बीजेपी भी हो गई। तो इस तरह से चार कोणीय लड़ाई है, बीजेपी को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दे तो त्रिकोणीय लड़ाई तो है ही। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए कैप्टन अमरिंदर से बात हो गई, नवजोत सिंह सिद्धू की बात हो गई, सुलह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दे दी और कहा जा रहा था कि 6-7 जुलाई तक इसका हल निकल आएगा, फार्मूला क्या बना होगा। तो सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही है उसमें सिद्धू को दो ऑफर दिया गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं, कैप्टन को भी उनसे दिक्कत हो रही है, लेकिन भारी मन से कैप्टन इस बात को मान लेंगे। इनकी जो जिद है नवजोत सिंह सिद्धू की, वो प्रदेश अध्यक्ष वाली है। तो देखने वाली बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने को कैप्टन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कैप्टन को सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, टिकट के बंटवारे में इनका बराबर का से होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री बैठेंगे, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बैठेगा,
और फिर अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की होड़ लगेगी ताकि सत्ता आए तो चीफ मिनिस्टर बनने में आसानी रहे। दरअसल कैप्टन अमरिंदर जो है इसी पारी की बात कर रहे थे, अगली पारी की उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने अगली पारी की भी बात कर दी है, यानी कि एक पारी वो और खेलना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अब ये दिक्कत की बात हो गई कि इतना लंबा वो इंतजार नहीं कर सकते। सत्ता में कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी ये दूर की बात है, लेकिन उससे पहले ये लड़ाई हो रही है। एकदम इसी तर्ज पे राजस्थान की लड़ाई है। अशोक गहलोत दिल्ली में बैठे थे, जैसे ही जीते सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वैसे वो राजस्थान की राजनीति में कूद गए और मुख्यमंत्री बन गए, हाईकमान ने भी बना दिया। अब जब सचिन पायलट अपना हक मान रहे हैं तो नहीं मिल रहा है तो बागी हो जा रहे हैं। यही लड़ाई सब जगह चल रही है, कर्नाटक में भी ये कांग्रेस में लड़ाई है, छत्तीसगढ़ से भी आ रही है ये बात। तो जहाँ जहाँ सत्ता की मलाई है, कर्नाटक में तो खैर सत्ता नहीं है, जहाँ जहाँ सत्ता की मलाई है वहाँ ये दिक्कत हो रही है। वर्तमान वर्सेज भविष्य की लड़ाई है, हरीश रावत ने ये खुद कहा था। लेकिन अब दोनों में से एक इनको नवजोत सिंह सिद्धू को मिलना है, देखते हैं कि क्या फाइनली कैप्टन अमरिंदर से मिलने के बाद ऐलान होता है। एक बात तय है कि कैप्टन अमरिंदर से हाईकमान मिलेगा, क्योंकि वो दो बार दिल्ली आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी, और उसके बाद ही फार्मूले का ऐलान किया जाएगा। संभवतः यही फार्मूला बना है। तो जैसे ही इसको लेके कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।